हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीब रहमान शामी साहब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अहद चीमा की गिरफ्तारी, शाहिद शफी की गिरफ्तारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायम मुकाम सदर का इंतखाब कल हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब कल कायम मुकाम सदर के तौर पर चुन लिए जाएंगे। कितनी मुफीद होगी उनका इंतखाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। और आखिर में प्रोग्राम में बात होगी शुएब शेख साहब की, एग्जिट सेंट्रल केस में उनकी कुछ ही देर पहले गिरफ्तारी अमल में आई है। शामी साहब, आज चीमा साहब गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद शाहिद शफीक साहब गिरफ्तार होते हैं, बिस्मिल्लाह कंपनी से उनका ताल्लुक बताया जाता है। आज हुआ यह है कि कल उनकी अहलिया ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके शौहर पर तशद्दुद किया है, जब नैब ने उन्हें गिरफ्तार किया 24 तारीख उसके बाद। और कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वकला के हमरा कुछ तस्वीर भी दिखाई जिसमें तशद्दुद की। पहले तो देखना, शाहिद शफीक साहब एक उस कंपनी के जिम्मेदार हैं जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, कंसोर्शियम को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ना, एक उसका उसके एक कंपनी ये भी शामिल थी, उसके वो जिम्मेदार हैं, उनको नैब ने गिरफ्तार किया है। और खबर ये आई कि अहद चीमा साहब की निशानदेही पर गिरफ्तार किया, ये खबर छपी, नैब की तरफ से फराहम की गई। दोबारा उनकी बेगम ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उन पर तशद्दुद किया गया। हाँ जी, आगे चले। बिल्कुल, और उसके बाद आज नैब ने जो मौकिफ इख्तियार किया, उन्होंने कहा जी कि जब भी कोई शख्स हम गिरफ्तार करते हैं तो एज़ पर आर नॉर्म्स हमने उनका मेडिकल करवाया। जो शेख जैद के एक डॉक्टर हैं जो हमारे पैनल पर हैं, उन्होंने उनकी गिरफ्तारी के फौरी बाद मेडिकल किया, उनको सेहतमंद और फिट करार दिया। एलर्जी का और बैकबोन का जो इशू था वो हमने मैंशन कर दिया, अदवियात दी जा रही हैं, लिहाजा ये कहना कि हमने तशद्दुद किया गलत है। आज जब एहतसाब कोर्ट में उनकी उनको लेके जाया गया, क्योंकि एक रोज़ा रिमांड तक ख़त्म हो चुका था, तो 5 मार्च तक रिमांड दिया गया। उस मौके पर जो वकला थे शाहिद शफीक साहब की, उन्होंने ये प्ली ली कि ये जो मेडिकल पेश किया जा रहा है ये गलत है और नैब ने मन मर्जी का ये मेडिकल करवाया है, दोबारा से मेडिकल करवाया जाए क्योंकि हमारे पास जो तस्वीर है उसमें तशद्दुद साबित होता है। तो 5 मार्च को शाहिद शफीक साहब खुद भी मौजूद थे, शाहिद शफीक साहब उन्होंने भी शिकायत की। अब ये अब उनके वकला से हमने रब्ता किया है और उनकी अहलिया से भी रब्ता किया है, उनसे जानते हैं कि उनका वर्जन इस मामले में है क्या, उनको टेलीफोन लाइन पर हम ले रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस केस को आगे बढ़ाएं, एक बड़ा अहम मामला था वो पेंडिंग रहे, नहीं मगर उसमें शाहिद शफीक साहब जो हैं उनका रिमांड दे दिया 5 मार्च तक, 5 मार्च को। और अदालत ने यह कहा, एहतसाब अदालत ने, कि 5 मार्च ही को उनका जो मेडिकल है वो भी पेश, वो दूसरा करा के पेश किया जाए या पहला करा, नहीं दूसरा करवा के पेश, कौन करेगा वो मेडिकल, वो तो अब नैब को जिम्मेदारी। उन्होंने एहतसाब कोर्ट ने असल में ये जो उनकी दरख्वास्त थी मेडिकल की पिटिशनर की, उस दरख्वास्त को डीजी नैब को फॉरवर्ड किया है कि इसके अकॉर्डिंगली आप इस पर गौर करें और मेडिकल करवाएं। आमतौर पर यह होता है कि जब अदालत के सामने कोई इस तरह की दरख्वास्त आती है और मुलजम कोई कस्टडी में होता है तो अदालत फौरी तौर पर उसका नोटिस लेती है और फौरी कार्रवाई करती है। अब इस एहतसाब अदालत ने मामला 5 मार्च तक टाला, मुअक्कर कर दिया और डीजी नैब से कहा कि वही इंतजाम करें। होना यह चाहिए था कि वो जो मुलजम है उसको रेफर किया जाता बोर्ड को, मेडिकल बोर्ड को, और यहाँ के जो बड़े अजना अस्पताल है या वो अस्पताल है या सर्विसेज है या शेख जायद है को, ये अस्पताल जो है इनमें से डॉक्टर्स जो थे उनका बोर्ड बनाया जाता और वो देखता, क्योंकि ये बड़ा संगीन इल्जाम है। देखिए नैब जो है वो उसकी जो क्रेडिबिलिटी शिद्दत से मुतासर हो रही है, क्योंकि पहले उन्होंने इनाम अकबर साहब को गिरफ्तार किया गया जो एक मीडास जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी भी कस्टडी में तस्वीर जो है रिलीज की गई। और इसी तरीके से ये हमारे अहद चीमा साहब की अहलिया की मुलाकात, उनको गिरफ्तार किया गया और फिर सलाखों के पीछे से उनकी तस्वीर रिलीज की गई। इस पर बात कर और मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात ये भी याद दिलाऊंगा
कि हमारे जो हुसैन नवाज थे वो जब पेश हुए थे, वो जब जेआईटी के सामने पेश हुए थे तो वो भी एक, तो उनकी भी एक तस्वीर जो है वहां से जारी की गई थी जिसका अभी तक ये मालूम हुआ कि उन्हीं के किसी अदारे के शख्स ने ये हरकत की थी। अब आप इसका मतलब ये है कि कोई एक माइंड सेट है जो पीछे काम कर रहा है? नहीं, इसमें तो नैब ने कहा जी हमने इसलिए तस्वीर, मेरी नैब के कुछ हुकाम से गुफ्तगू हुई, वो कहने लगे हमने तो इसलिए जारी किया कि ये दिखा सकें कि देखें जी कैसा हमने इनका इंतजाम कर रखा है, जेल में डाल दिया है, सुला के लगा दिए, और कैसे वो मुतमिन तरीके से हंसते कॉफी पी रहे हैं, दुनिया में नहीं वो तो कॉफी क्या पी रहे हैं, तो सुलाखों के पीछे थे वो, तो जो पहली तस्वीर है। आप किस तस्वीर की बात कर रहे हैं? मैं जो आज जा रही आज की बात नहीं मैं कर रहा, मैं उस तस्वीर की, जहाँ पुलिस कांस्टेबल सामने खड़ा है, पता नहीं मेरा ख्याल कहीं खो जाते हैं। नहीं नहीं सर, तस्वीर तो आज जारी हुई है ना, आज आप रेफरेंस होते किस तस्वीर का? मैं उस तस्वीर का रेफरेंस दे रहा हूँ जो सुलाखों के पीछे उनको खड़ा करके, जहाँ सामने पुलिस वाला खड़ा, बिल्कुल ठीक है। आज की तस्वीर का मसला तो और है, सवाल यह है कि दुनिया में कहीं यह तरीका नहीं है कि किसी मुल्ज़म की तस्वीर जो है इस तरीके से जारी की जाए और तफ्तीश करने वाले अदारे इसको जारी करें, और यह मुसलसल नैब के अंदर जो हजरात मौजूद है बास, उनकी ये आदत हो गई है गोया वो मुकदमा कायम करने से के ज्यादा, या यूं कह लीजिए साथ साथ, या तफ्तीश करने के साथ साथ लोगों को रुसवा करने में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए इस तरह की तस्वीरें जारी करते हैं। तो जब आज ये इल्जाम लगा है शाहिद शफीक, जो एक जिम्मेदार शहरी है पाकिस्तान के, एक बड़े बिजनेस से उनका ताल्लुक है, उनकी बेगम ने कहा कि उनका तशद्दुद हुआ है, उनकी अहलिया और वकील कह रहे थे कि उन पर तशद्दुद हुआ है, तो पहली फुर्सत में उनका तिब्बी मुआयना कराना चाहिए था। आपने उनकी अहलिया का जिक्र किया, सोनिया साहिबा अभी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करें। शाहिद शफीक साहब की अहलिया हैं। अस्सलाम वालेकुम सोनिया बीबी। वालेकुम सलाम। सोनिया बहन ये बताइए मुझे कि आपको कैसे मालूम हुआ कि शाहिद शफीक साहब जो है उन पर तशद्दुद हुआ है, और किस तरह तस्दीक की आपने इस बात की? कृष्ण जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जब एक चीज को सामने लेकर आते हैं तो उसको एटलीस्ट थोड़ा सा पहले कुछ उसके बारे में नॉलेज, कोई इंफॉर्मेशन, कोई चीज तो कंफर्म करने के बाद आप उसको जारी किया करें। एक मुल्जिम का ऐसे कभी भी नहीं हो सकता कि आप उसको हैंडकफ लगा के सामने लेकर आ रहे हैं, वो कितना ठीक है, जैसे वो कोई सहारी हो या उससे उसने कितने बड़े काम किए, ठीक, कौन कौन से उसने फ्रॉड कर लिया, यानी आपको कुछ पता नहीं था, आपको कुछ पता नहीं था कि उन पर इल्जाम क्या है, उनको पकड़ा क्यों गया है और ये कार्रवाई उन पर क्यों हो रही है? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं एक हाउसवाइफ, ठीक है, मैं ज्यादा बिजनेस के बारे में मेरी नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक, लेकिन मैं ये जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि मेरे हस्बैंड कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, ठीक, ठीक है, एक इंसान भी पता चलता है ना, ठीक है, ठीक है। नहीं, असल बात यह है कि उनके उनके साथ ट्रीटमेंट कैसे हुई उनकी गिरफ्तारी के बाद? जी ये देखिए मेरी बात सुने, उनके आपने देखा होगा अभी रिमांड में, उनको रिमांड एक दिन का मिला भी नहीं था, उससे पहले ही जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मैंने पिक्चर्स दिखाई, इसीलिए दिखाई है कि ऑलरेडी उनके ऊपर तशद्दुद हो चुका हुआ, ठीक, ठीक है, वो एक बीमार बंदा है, उसको मिग्रेन का प्रॉब्लम है, उसको आप सोने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उसके हाथ पांव सुन हो रहे हैं, ठीक, उसको खाना देने की मुझे इजाजत नहीं है, मैं उसको उसकी टैबलेट्स नहीं दे सकती हूँ, मैं खाना भिजवा रही हूँ वापस आ रहा है, इतना इनह्यूमन बिहेवियर उसका क्यों किया जा रहा है, ठीक, उसने कौन सा गुनाह किया है मुझे बताएं, ठीक। तो आज आज फिर अदालत में क्या हुआ? अदालत ने कोई रिलीफ फराहम की? जी अदालत में कोई रिलीफ फराहम नहीं की गई, इन्होंने जब बात की हमने एप्लीकेशन दी थी, साथ मैंने पर्चा इनके करवाया था इनके अगेंस्ट नैब वालों के, उसकी रीजन ये थी कि पहले दिन टॉर्चर करने का तुक नहीं समझ में आ रहा, कोई लॉजिक नहीं बन रही। तो आपने नैब वालों के खिलाफ भी पर्चा दर्ज करवाया? जी बिल्कुल मैंने करवाया है, और मैंने एप्लीकेशन भी दी है, कल मैंने पर्चा करवाया था, इसलिए उन्होंने ये कहा है, मैंने पिक्चर्स शो कराई है, मैंने आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें मेरे लॉयर ने पिक्चर्स दिखाई है। तो पर्चा वो दर्ज हो गया? जी बिल्कुल। अच्छा कहाँ दर्ज हुआ है पर्चा? जी मेरे लॉयर ज्यादा बेहतर जान सकते हैं, चलिए उनसे हम बात कर लेते हैं, ठीक है, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि आप उनका मेडिकल लिया। जी ठीक है। अच्छा सर, जो आप कह रही हैं
उनको जो तशद्दुद किया है नैब के लोगों ने, उस पर नैब के उन अफराद के खिलाफ उन्होंने पर्चा कटवा दिया है, इन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी है। किसी शहरी पर, किसी जेरे हिरासत मुल्ज़म पर तशद्दुद करना बताते खुद बड़ा घिनौना जुर्म है, इस पर कार्रवाई हो सकती है, इस पर गिरफ्तारियां अमल में आ सकती हैं। अच्छा, जो मामला शुरू में आपने डिस्कस किया तस्वीर जारी करने का, पहले रोज जो पुलिस कांस्टेबल खड़ा है सुलाखों के पीछे, हाजीमा साहब खड़े हैं, उस पर कुछ दोस्तों ने तस्वीर मुझे एक भेजी है, अखबारों में एक पंजाब गवर्नमेंट का इश्तिहार शाया हुआ था जीरो टॉलरेंस पर करप्शन के उनवान से, वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का तस्वीर ऊपर छपी है, और कि लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट की भर्तियों में घपले का स्कैंडल जब बेनकाब हुआ था तो फ्रंट पेज पर कई अखबारों में बैक पेज पर इश्तिहार शाया हुआ जिसमें मुलजमान को सुलाखों के पीछे दिखाया जा रहा है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने खुद इसकी रीड डाली हुई है। यानी आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हो खलते वापस क्या कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, कहना क्या, ये क्या, क्या नहीं, बात सुन लिया, ये आहत चीमा ने उसका हुक्म जारी किया था पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब उन्होंने खुद ये रीड डाली है कि मुलजमान को सुलाखों के पीछे दिखाया जा रहा है। आप अगर उनको दिखाया जा रहा है, पहले एक बात सुन लीजिए, अगर किसी को पर्चा काट कर जुर्म बताकर गिरफ्तार किया गया और सलाखों के पीछे दिखाया जा रहा है, मुझे नहीं मालूम वो इश्तहार क्या है, मैं इस तरह के खलते मबस का आदी नहीं, मैं भी आपको दिखा मेरी बात सुन ले आप। अगर तो आहत चीमा साहब के हुक्म से ये काम हुआ था तो फिर तो हम उस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। नहीं, वज़ीर आला इस वक्त जेरे बहस नहीं है, जो मामला जेरे बहस है उस पर गुफ्तगू करनी चाहिए। ठीक, अभी अगर ये काम हुआ है उसकी भी मजम्मत की जानी चाहिए, बिल्कुल, और उस वक्त ही उसका नोटिस लेना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, अब किसी भी शख्स को यह हक हासिल नहीं है, खाब वो वजीर आला हो, खाब वो वजीर आजम हो, खाब वो नैब का डीजी हो, खाब वो किसी हसास अदारे का सरबरा हो, किसी शख्स को यह हक हासिल नहीं है कि वो किसी आम शख्स, किसी पाकिस्तानी की तजलील करे। बिल्कुल ठीक हो गया। अब जो लॉयर हैं शाह शफीक साहब के, वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, जरा ये बताइए कि आज सैयद अली बुखारी साहब हैं। अली बुखारी साहब, आप ये बताइए कि क्या पर्चा नैब हुकाम के खिलाफ भी आपने पर्चा कटवाया है क्या? नहीं, ये जो शाह शफीक साहब की अहलिया है, हाँ, उनकी जानिब से दरख्वास्त फाइल की गई है थाना चूंग में, मेरे हस्बैंड पे इस तरह का गैर इंसानी जो टॉर्चर है वो किया गया है और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की गई है, वो उस पे एप्लीकेशन फाइल हुई है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, और वैसे भी हमारे जो है वो मुल्क में नैब अथॉरिटीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाना एक आम थानेदार या एसएचओ की वो इख्तियारात नहीं है कि वो नैब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सके, एप्लीकेशन फाइल जरूर हुई है। देखिए, कानूनी तौर पर तो पर्चा दर्ज हो सकता है ना, एफआईआर कट सकती है। कानूनी तौर पर तो एफआईआर होनी चाहिए सर, हमने एज सून एज इनके इल्म में आया है, जिस दिन इनको फर्स्ट डे ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के रिमांड के पेश किया है रिमांड लेने के लिए, तो फर्स्ट डे जब उनको बुलाया वहां पे गए हैं और देखा है कि उनके उनके जिस्म के ऊपर उनकी बैक नेक पे उसके निशानात थे, जिस वजह से हमें ये इल्म हुआ, फिर उनसे पूछा गया और उनको वो ड्रग्स भी दी गई थी जिनसे उनका इम्यूनिटी लेवल कॉम्प्रोमाइज हुआ हुआ था एट दैट वेरी मोमेंट। अच्छा। तो उस वक्त जब लेकिन उन्होंने हमारी बात का जवाब दिया और बताया कि ये मेरे साथ इन्होंने किया, और आज कोर्ट में उन्होंने खुद ये बात जज साहब को ऑनरेबल कोर्ट को ये बताया है कि मेरे ऊपर इन्होंने टॉर्चर किया, और बाकायदा उन्होंने वो पॉइंट्स बताए हैं जहां जहां उन्होंने टॉर्चर किया, और बड़े कॉन्फिडेंटली उन्होंने ये। और आपके पास तस्वीर भी थी जो आज आपने कोर्ट में भी पेश करने की कोशिश की है? खुद मौजूद थे वो जी, और खुद बता रहे थे, दिखाई है। अच्छा, तो हमने कोर्ट को वो फोटोग्राफ्स पेश किए हैं वहां पे जो जो टॉर्चर के जो निशानात थे। और ये दूसरा जो आप फरमा रहे थे कि ये नैब ने जो मेडिकल लिया और वो शेख जायद के हॉस्पिटल के डॉक्टर उनके पैनल पे हैं, ये मेडिकल तो वो मेडिकल है जो वो नैब के दफ्तर आके उन्होंने लिख के दिया है, हमारा तो ये मैटर ही नहीं है, वो हमें भी इल्म है कि जिस्मानी तौर पर ज़हनी तौर पर बिल्कुल फिट है। मगर आप ये बताइए कि क्या अदालत को ये नहीं चाहिए था कि फौरी तौर पर वो बोर्ड बनाती डॉक्टर्स का और फौरी तौर पर उनका मुआयना होता? अदालत को बिल्कुल यही चाहिए था कि फौरी तौर पे आज ही या कल सुबह उनका मुआयना हो। अदालत ने ऑर्डर कर दिया है, वो एप्लीकेशन फाइल आज की गई थी, उसके साथ ये फोटोग्राफ्स दी गई थी, उस पर अदालत ने डीजी नैब को ये हुक्म दिया है कि इनका मेडिकल जो है वो करवाया जाए, और वो मेडिकल रिपोर्ट इनके साथ पांच
मार्च को जब इनको दोबारा पेश किया जाएगा वो कोर्ट में सबमिट करें, तो वो ये अब सर्टिफाइड ऑर्डर की कॉपी सुबह जाएगी, ये सुबह भी हो सकता है मेडिकल, अगर आप चाहें तो सुबह हो जाए। आप इस हुक्म से मुतमईन है? सर मुतमईन उस सूरत में होते कि उसी वक्त हुक्म दिया जाता कि यहाँ से सीधा अस्पताल जाएं, इनके लवाहकीन को साथ लेकर जाएं और वहां पे इनका अभी मेडिकल हो, हम मुतमईन उस सूरत में होते थे। अच्छा, इस हुक्म के खिलाफ कोई अपील भी हो सकती है, हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं आप? जी, इसको हम चैलेंज भी कर सकते हैं कि इसको फौरी तौर पे इसका जो है वो मेडिकल करवाया जाए, आज ही करवाया जाए या कल सुबह जो है वो मैक्सिमम ये जो है करवाया जाए। अच्छा, आप ये बताइए मुझे कि जब इस तरह के मामलात में आप आम तौर पर दरख्वास्त देते हैं और अदालत के सामने कोई मुल्ज़िम ये फरियाद करता है तो अदालत का क्या रवैया होता है आम मुकदमात में? आम मुकदमात में जनाब जज साहब का, ऑनरेबल कोर्ट का जो रवैया होता है, जज या कोर्ट क्योंकि एक्यूज्ड इज अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ, उसकी बात सुनी जाती है। ठीक, उसकी बात सुनी जाती है और फौरी तौर पे भी मेडिकल के ऑर्डर किए जाते हैं, बल्कि यहाँ से कोर्ट से सीधा उनको उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को डायरेक्ट किया जाता है कि इनको अस्पताल लेके जाएं, डॉक्टरों को साथ ऑर्डर दिया जाता है उसी एप्लीकेशन पे कि इनका अभी जो है वो मेडिकल किया जाए और वो फौरी तौर पर कोर्ट में पेश किया जाए। तो अब आपके जो शफीक साहब पर जो इल्जाम लगाया गया है, अब उसके बारे में कुछ बता दीजिए जो आपको मालूम हुआ। मैं इस केस के साथ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एसोसिएटेड हूँ। अच्छा, सूरत हाल ये है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कंसोर्सियम है तीन कंपनीज का, जिसमें एक बिस्मिल्ला इंजीनियरिंग है, एक इसमें सुपारको कंपनी है और एक इसमें चाइनीज कंपनी है। अब इनकी एलिगेशन जो आज इन्होंने कोर्ट में चार्ज शीट फाइल की है या स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस जो फाइल की है, उसमें ये कहते हैं कि बिस्मिल्ला इंजीनियरिंग की वर्थ जो है वो 150 मिलियन है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 14 बिलियन का है। ठीक, अब इनको ये समझाया जाए, ये देखिए ये एक ऐसी बात के ऊपर एक ऐसा एलिगेशन लगा रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता कि ये कंसोर्सियम तीन कंपनीज का है, बाकी दो कंपनीज जो हैं वो अनलिमिटेड वर्थ की हामिल हैं। ठीक, आप कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल्ला इंजीनियरिंग को सिर्फ दिया गया जबकि हर चीज डॉक्यूमेंटेड है। दूसरी चीज ये कहते हैं, जो दूसरा एलिगेशन लगाते हैं कि फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट लिया गया। ओ मेरे भाई, फॉल्स डॉक्यूमेंट कौन सा है? प्रपोजल जो है, प्रपोजल के ऊपर 20 पाकिस्तानी कंपनीज जो सरकारी इदारे हैं उनके डायरेक्टर्स के दस्तखत हैं, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया। कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने 68 कंपनी से जो है वो मुकाबला करके ये टेंडर। अच्छा, ये बताएं, ये बड़ी अहम बात, अब जो बाकी मुकाबला करने वाली कंपनीज थी, क्या उसमें से किसी कंपनी ने कंटेस्ट किया इस एलोकेशन को जब ये इस कंसोर्शियम को दिया गया ठेका? तो सर बिल्कुल नहीं कंटेस्ट किया, ना कोई बंदा सामने आया, ना किसी ने एप्लीकेशन फाइल की, बल्कि मैं ऐड करता चलूं यहाँ पे, जो हमारे कंपेटिटर्स थे, जो इनके कंपेटिटर्स थे वो हबीब रफीक और ये मतलब बड़े बड़े नाम थे इतिहास लिमिटेड, हाँ जी इतिहास, उनका टेंडर हमसे बहुत कम था। मतलब ये अगर मैं सादे अल्फाज में समझाऊं तो हमारा टेंडर है 6400 फ्लैट्स बना के देने हैं ये जो कंसोर्शियम है शाहिद शफीक वाला, और जो हमारे कंपेटिटर्स थे उन्होंने हमसे जो है वो 1000 फ्लैट्स कम कर दिया था टेंडर। ठीक, और ठीक, और एक ब्रेक भी पहुंची है। ठीक, चले 10 लाख स्क्वेयर फीट का कम का जो है वो टेंडर था और उनका कोई ऑब्जेक्शन सामने नहीं आया बाद में। ठीक ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। सैयद अली बुखारी साहब लॉयर थे शाह शफीक साहब के, इस मामले में अपना नुकता नजर बयान। एक ब्रेक सर ले लें पहले, ठीक, मिलते हैं नाज़रीन आपसे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बड़ा अहम मामला हमने ज़ेरे बहस लेके आए, लेकिन शामी साहब आपके पास को पैगाम है, पहले वो नशर कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। असद खान साहब हैं, डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस के, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के। क्या तबसरा फरमाते हैं? ये कहते हैं कि ये जो मामला है आहत चीमे का और नैब का, ये कारपोरेट लॉ से मुतल्लिक है और गवर्नेंस से मुतल्लिक है, और मैं बिल्कुल, मेरी राय ये है कि नैब के अंदर कोई शख्स ऐसा मौजूद नहीं है जो इन अमूर पर कोई महारत रखता हो। उन्होंने अंग्रेजी में क्या बात लिखी है, वो कहते हैं
आई एम श्योर इन होल लैब नोबडी हैज एवर स्टडीड आर एक्सपीरियंस्ड कंसोर्शियम लॉज आर डिजाइनिंग दीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग मेगा प्रोजेक्ट्स. और वो इन चीज़ों को लेकर बैठ गए हैं और एक हंगामा बर्पा कर रहे हैं. देखिए एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, चेयरमैन नैब से भी, वज़ीर-ए-आला पंजाब से भी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की खिदमत में भी और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की खिदमत में हो गया कि अगर ये दंगा मुश्ती शुरू हो गई और नैब और अफसरों के दरमियान, सिविल अफसरों के, तो पर्चे कटेंगे जैसे अब कटवाने की दरख्वास्त तो दे दी है सोनिया बीबी ने और इनकी गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी. और रेंजर्स डीजी नैब ने रेंजर्स लगा लिए तलब करके. मैंने समझ रहा किस अथॉरिटी के तहत उन्होंने रेंजर्स तलब की है? क्या कोई ये दूसरी रियासत कायम हो गई है कि रियासत में? क्या पंजाब पुलिस जो है उसने इनकार कर दिया था इनके तहफ्फुज़ से? और क्या पंजाब पुलिस पर अदम एतमाद का आज़हार नहीं है? यानी किस तरीके का मैसेज दिया जा रहा है? और चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद अकबल जैसे जावेद इकबाल जैसे जीरक शख्स के होते हुए और यानी रियासत एक अपनी रियासत कायम की जा रही है. वजारत दाखिला ने इसको इजाजत दी है क्या? क्या पंजाब हुकूमत की रिक्वेस्ट पे ये रेंजर्स आई है? कैसे आ गई ये रेंजर्स एक इमारत के तहफ्फुज के लिए? तो इस मुमलकत के हाल पे रहम खाएं और इसको एक रियासत को रियासत के अंदर छोटी छोटी रियासतें कायम करके हमारी पूरी तारीखी जद्दोजहद का और हमारे शोहदा का और उनकी कुर्बानियों का मजाक न उड़ाएं. एक बड़ा अहम मामला था शामी साहब, उसकी जानिब तवज्जो मबजूल करवाना मकसूद है इस टंक में. जब हम बात कर रहे हैं मोजस अदलिया मोजस जज साहिबान और उनकी जो मोजस अहल खाना है उनके हवाले से फेक पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल की जाती हैं और फिर लोग उसे यकीनी समझ लेते हैं कि हाँ जो बताया जा रहा है वो दुरुस्त है. इसकी तो आज मजम्मत कीजिए. मैं नमूने के तौर पर दो तस्वीर का हवाला दे सकते हैं. तो आपको याद होगा पहले नवाशिर साहब के साथ एक तस्वीर मंसूब किया गया कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के जनाब जस्टिस साकिब ने अभी नहीं संभाला वो बैठे हुए. ये तस्वीर हम पूरी दिखा रहे हैं, साथ ममनून हुसैन साहब भी मौजूद हैं. ये भी गलत थी. और उसके बाद तस्वीर उनकी नहीं थी. नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल कतन नहीं. दूसरी तस्वीर दिखाइए जी. ये दूसरी तस्वीर है, इसमें ये कहा गया कि ये जो अहले खाना है ये बच्चियां हैं. एक बच्ची जो है मौजूद चीफ जस्टिस वो पीटीआई का जो दुपट्टा है वो पहन के बैठी है झंडे का कलर का. और ये कहा जा रहा है कि ये पीटीआई की कारकुन है, उनकी बच्ची, उनकी बेटी. अंदाजा कीजिए. और हमारी पूरी इतला जो है उसके मुताबिक उनकी बेटी की तस्वीर ये नहीं है. बिल्कुल ये भी फेक है. हमने अच्छी तरह तस्दीक की है. 100% फेक. अब मैं समझता हूँ वफाकी वजारत दाखिला पर लाजिम है, पीटीए और पीटीए पर लाजिम है, एफआईए भी इसमें एफआईए पर इसकी तहकीकात करें और जो लोग ये जो अनासर जो है ये काम कर रहे हैं उनकी तह तक पहुंचे, उनको कानून के सुपुर्द करें. जाते जाते वो जो ब्यूरोक्रेसी का मामला था उसमें पीएमएस के जो अफसरान है और जो डीएमजी अफसरान है उनके दरमियान भी तकसीम बड़ी खुल के सामने आई. आज मेरी को डीएमएस की जो यानी जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस है वो जो तो देखिए वो उनमें तो हमेशा झगड़ा रहता है. वो चाहते हैं कि सारे महकमे सारे हमारे पास आ जाए, सीनियर अपॉइंटमेंट हमें हिस्सा दिया जाए ना. और ये अब तवाज़ुन कायम होना चाहिए. नहीं है वो तवाज़ुन. अब इजाजत नहीं लिया शाम साहब. ये जो पीएमएस की अगर मुझे ये मेरे पास इस वक्त कोई डेटा नहीं है. डेटा की हम बात नहीं करें, इनकी जो एसोसिएशन है ना वो ये कह रही है कि हम इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं. हाँ। और इरफान कादिर साहब हमारी वकालत करेंगे. पहले मोहतरमा आजमा जहांगीर साहबा ने करनी थी तो वो फिर अल्लाह को प्यारी होगी. इरफान कादिर साहब तो पेश नहीं हो सकते वहाँ. चलिए जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट जब हर्षद जा रहे ये भी जाए अपना मसला हल कराए. लेकिन एक बात मैं आपसे ये हमारे कुछ अफसरों ने ये हड़ताल वगैरह की बात की थी. हड़ताल का तस्वुर तो बिल्कुल गैर कानूनी है. किसी शख्स को इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए. लेकिन मुश्किल क्या है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ डॉक्टर हड़ताल करते हैं, हमारे यहाँ ये टीचर्स हड़ताल करते हैं, मुजाहरे करते हैं, सरकारी इदारों के लोग, इनको इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती. तो देखा था कि ये छूत का मर्द है, अफसर भी अगर इस राह पे चल पड़े. असल में किसी सरकारी कारकुन को इस बात की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो कोई हड़ताल करे या कोई मुजाहरा करे इस तरह का. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. एक इमरान खान साहब ने आज बड़ी अहम दावा किया है, जरा वो सुन लीजिए. फैसल सुबान कितने दिनों से गायब हैं, इनको अगवा किया गया. ये मुल्तान मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट था वो इन्होंने दिया हुआ था किसी कैपिटल इंजीनियरिंग जिसका सीईओ था फैसल सुबान. चाइना की एससीसीपी ने
انٹرویو کیا فیصل سبحان کا، اس نے اس انٹرویو میں کہا کہ جناب میں تو فرنٹ مین ہوں، جو کک بیکس ملتی تھیں یہ جو ملتان میٹرو سے یہ شریف خاندان کے پاس جاتی تھی۔ پینما میں پکڑا گیا تھا نواز شریف، چھوٹے ڈان شہباز شریف پکڑے گئے ہیں، یہ چائنا کی ایس سی پی نے پکڑا ہے۔ چیف جسٹس صاحب سے کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر ایکشن لیں۔ یہ کون سے یہ بنانا ریپبلک میں ہوتا ہے کہ سی او غائب ہو گیا کمپنی کا؟ کیا یہ کوئی مافیا رن ملک ہے جدھر گاڈ فادر اوپر ایک بیٹھا ہے اور ادھر ایک چھوٹا ڈان بیٹھا ہوا ہے؟ شہباز شریف نے 9 سالوں میں 9,000 ارب روپیہ خرچ کیا ہے، کیوں اورنج ٹرین کا کانٹریکٹ خفیہ ہے؟ اس لیے نہیں بتا رہے کہ کک بیکس لے رہے ہیں، بڑا پروجیکٹ بناؤ، مال باہر چلا جائے، ادھر سے اپنے سارے آف شور کمپنیز میں چلا جائے، اور جو پیسہ عوام پہ ہے وہ آپ دیکھ لیں حالات کہ 4-4 لوگ ایک ہسپتال کے بستر۔ شاہ صاحب یہ 9,000 ارب روپیہ میرے خیال ہمارے اسٹوڈیو کمرہ خرچ کرنا جو ہے، خرچ تو ہوگا نا، اتنا بڑا صوبہ ہے 11-12 کروڑ کا، مگر خرچ کرنا کوئی جرم نہیں ہے، خرچ سے غلط کرنا جرم ہے۔ پہلے تو خاص صاحب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ دیکھیے ابھی یہ جو حکومت پنجاب کی طرف سے بھیجا گیا کہ چینی سفارت خانے نے بھی اس کی تردید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ کمپنی جو چائنیز تھی، یہ بائٹ نام، یہ ایک بلیک لسٹڈ کمپنی ہے، چائنا میں اس کے خلاف کاروائی ہوئی ہے اور اس نے پبلک اپولوجی جو ہے مانگی ہے، چائنیز حکومت نے اس کے خلاف کاروائی کی ہے، اس کو بلیک لسٹ کیا ہے۔ بہرحال خان صاحب نے جو الزام لگایا، دیکھیے خان صاحب کا یہ کمال یہ ہے کہ وہ الزام لگاتے ہیں خود، پھر اس کو عدالت کا فیصلہ سمجھ لیتے ہیں اور ان کسی بڑے لیڈر کے لیا چھوٹے آدمی کو بھی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ الزام لگا کر یہ سمجھے کہ اسے ثابت کر دیا گیا۔ ان کا الزام جو ہے توجہ دینی چاہیے، بالکل چیف جسٹس صاحب اس پر اس بندے کی بازیابی کا حکم دیں، فیصل سبحان کا اور راؤ انوار جس طرح بازیاب ہو چکا ہے اس کو بھی بازیاب کرایا جائے۔ اور دیکھیں اس میں تفتیش اور تحقیق، اس میں تو کوئی یعنی دو رائے نہیں ہو سکتی نا۔ خان صاحب کو چاہیے کہ اس کے ایف آئی آر درج کروائیں، اس پہ جو ہنگامہ کریں، کتنے مسنگ پرسنز پاکستان میں ہیں، بیچاروں کا سراغ نہیں مل رہا۔ تو یہ باتیں تو اصولی باتیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں، یہ ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ سمجھ لیا کریں کہ ہمارے بچے بھی یہ باتیں سنتے ہیں، ذرا تھوڑا سا احتیاط سے بات کر لیا کریں۔ ایک بریک لے لوں میں ذرا، بس بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ذکر ہوگا شہباز شریف صاحب کا، کل مجلس عامدہ جو پارٹی کی ہے انہیں قائم مقام صدر منتخب کرنے جا رہی ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا اور کیا وہ متبادل ثابت ہو پائیں گے نواز شریف صاحب کا؟ ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شام سے بڑا اہم موضوع باقی رہ گیا آخری چنگ کے، شہباز شریف صاحب کو کل مرکزی مجلس عاملہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قائم مقام صدر منتخب کرنے جا رہی ہے، 45 روز بعد وہ مستقل صدر تعینات ہوں گے، فیصلہ ہو چکا، کیا وہ نواز شریف صاحب کے متبادل ثابت ہو پائیں گے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، کیا ان کی نامزدگی سے پاکستان مسلم لیگ نون کے مسائل کم ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ نواز شریف صاحب کے متبادل ہو پائیں گے؟ ہاں ثابت ہو پائیں گے۔ آپ میرے متبادل ہو سکتے، ایک وقت آئے گا کہ ہو جائیں گے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے اپنے ایک بڑی لمبی اننگ کے لیے انہوں نے سیاست میں، یعنی پہلی بار 1988 میں منتخب ہوئے تھے وہ، اور یعنی قومی اسمبلی کے رکن اور پھر وزیر اعلیٰ رہے، تیسری بار ان کی وزارت اعلیٰ چل رہی ہے، اور مسلم لیگ نون کے صدر بھی رہ چکے ہیں وہ پہلے، جب نواز شریف صاحب پہ پابندی تھی اور وہ اقتدارت نہیں سنبھال سکتے تھے، تو ان کو ایک بڑا تجربہ ہے اور کام کرنے کی اپنی شہرت رکھتے ہیں، لگن ہے ان کے اندر، ان کو اور بہت کم سوتے ہیں، اور نہ سوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں۔ اب اور وہ دیکھیے نظری بحثوں میں نہیں الجھتے، ایک بات یہ بھی ہے، اس لیے وہ کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ان کی ذمہ داریاں اب صوبائی رہی ہیں آج تک، تو خارجہ پالیسی کے معاملات کیا ہیں، دفاعی پالیسی کیا کر رہی ہے، دفاعی اداروں کے ساتھ معاملات کیا ہیں، تو ان کے لیے ابھی تک یہ معاملات دور سے دیکھنے کے تھے۔ تو اب جب وہ وزیر اعظم بنیں گے،
اور مسلم لیگ کی صدارت سنبھالنے کے بعد اگر انتخابات میں کامیاب ہو گئے تو پھر دیکھیں گے کیا کس طرح جوہر ان کے کھلتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ ان میں یہ صلاحیت موجود ہے اور وہ لیڈ کر سکتے ہیں, پرفارم کر سکتے ہیں. پر نواز شریف صاحب جو ہیں اور مریم نواز شریف صاحب, ان کی سیاست ایک اپنی رہے گی, وہ اپنی دنیا ہے ان کی, اور یہ ان کو طاقت بھی فراہم ہوگی نا اس سے. تو ان کی یہ صلاحیت بھی تو ہے نا کہ یہ جو معاملات پارٹی کے لیے مشکل درپیش ہو رہی ہے وہ بھی ان کی صلاحیت کی وجہ سے کم ہوتے جائیں شاید. دیکھیں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب میں ایک قدر مشترک, قومی اسمبلی میں وہ بہت کم جاتے تھے اور یہ بھی بہت کم جاتے ہیں پنجاب اسمبلی میں, ٹھیک ہے نا. سرکاری افسروں پہ زیادہ انحصار ان کا بھی ہوتا ہے اور ان کا بھی ہوتا ہے. اور جو قومی جو ہماری صوبائی اسمبلی پارٹی ہے اور وہ پارٹی کی طرف توجہ ذرا ان کی کم ہوتی, یہ کمزوریاں جو ہیں ان کو رفع کرنا چاہیے. باقی وہ کام کرنے پہ یقین رکھتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کو وہ سنبھال سکیں گے اور سنبھال کے آگے بڑھانے کی کوشش کر سکیں گے. چلیں دیکھتے ہیں کل. اچھا سر, ایک ویسے تو پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں آتی بین الاقوامی فرنٹ سے, لیکن ایک اچھی خبر آئی ہے, بڑی مزدار خبر ہے. وہ کھانا پکانے کے جو ایکسپرٹس ہیں, شیف انہیں کہا جاتا ہے, اور ایک پاکستان کی پاکستان کلنری ٹیم ہے جسے ٹیم کھانا پکانے کی ٹیم کہتے ہیں, احمد شفیق صاحب ہیں جی کوتھم کے. ہاں, تو انہوں نے ترکی میں استنبول میں ایک بہت بڑا مقابلہ ہوا بین الاقوامی ٹیم جی, تو ادھر پاکستانی جو کلنری ٹیم ہے اس نے مجموعی طور پر 19 گولڈ میڈل اور 7 سلور میڈل جیتے ہیں. اور اس میں سب سے اہم خبر یہ ہے کہ ایک اس میں مختلف کمپٹیشن ہوتے ہیں, مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک کیٹیگری ایسی تھی جہاں پاکستان نے اسرائیل کو شکست دی. وہ کھانے کی تھی یا پکانے کی تھی؟ سارا کچھ ہوا ہے, اس کا تعلق کلنری سے ہی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کی شہرت کھانے کی زیادہ ہے, نہیں پکانے کی بھی ہے. پکانے کی بھی زیادہ ہے, جس کو کھانے کا شوق ہوگا اس کو پکانے کا بھی شوق ہوگا. اور یہ جو شفیق صاحب ہیں, کافی انہوں نے شیف جو ہے ٹرین کیے ہیں, دنیا بھر میں پاکستان کے کھانوں کی شہرت ہے. اور یہ لوگ یہاں سے ٹرین ہو کے لوگ جاتے ہیں اور بڑی بڑی نوکریوں کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور پاکستانی ذائقہ جو ہے کھانے کا دور و نزدیک پھیل رہا ہے. اچھی بات ہے, ان کو مبارک ہو, ان بچوں کو بہت. اچھا جی, یہ رضوان صاحب ہیں نہیں, مگر وہ جو ہمارے شعیب شیخ صاحب تھے, شعیب شیخ صاحب وہ گرفتار ہو گئے جی, ایگزیکٹ جو سکینڈل کیس ہے اس میں وہ ایف آئی اے نے ان کو پکڑ لیا ان کی ضمانت جو تھی منسوخ ہو گئی. آج بڑا وہ ڈراما چلا ہے سندھ ہائی کورٹ میں, وہاں پہ چونکہ جج صاحبان تو جا چکے تھے اور ان کی ضمانت منسوخ ہو چکی تھی, تو جب وہ باہر نکلے تو ایف آئی اے کے دوست باہر کھڑے تھے, پھر وہ واپس چلے گئے. ان کے ملازمین بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود تھے, تو بالآخر جو عدلیہ ہے, معزز عدلیہ, اس نے ٹرائل کورٹ کی جانب رجوع کر دیا کہ آپ اس کو دیکھیں, تو چونکہ اب ضمانت نہیں ہو سکی. جیسے شرجیل میمن صاحب بھی تو بڑی دیر رکے رہے نا ہائی کورٹ میں, لیکن بچ نہیں سکے پھر نیب سے, اسی طریقے سے ایف آئی اے سے بچ نہیں سکے. چلیے اپنا وہ مقدمہ لڑے. جب کسی پہ افتاد پڑتی ہے نا, میرا ایک بات سنیے, تو کوئی بچ لگتا ہے اس سے کوئی وہ اس کا منفی ذکر کرنے کو دل نہیں چاہتا. ان پہ افتاد پڑی ہے, اپنا مقدمہ لڑیں اور اپنا نقطہ نظر ثابت کریں, ہم خوش, ہمارا خدا خوش. اچھا, یہ رضوان صاحب نے ایک بالخصوص سوال بھیجا آپ کے لیے کہ اگر ثابت نہ کر سکے تو پھر نتیجہ. چلیے سوال لے لیں, پھر پروگرام ختم کرنا ہے مجھے. یہ کہہ رہے ہیں آہل چیمہ صاحب کی گرفتاری کی وجہ سے اور کون کون زد میں آ سکتا ہے پنجاب میں؟ کوئی بھی زد میں کوئی بھی آ سکتا ہے, اس میں کیا حرج ہے؟ سندھ میں کتنے افسر پکڑے گئے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کوئی ابھی تک کسی بھی محکمے میں کسی بھی جگہ کوئی بے قاعدگی ہو سکتی ہے, تو اس کے ذمہ داروں کو پکڑا جا سکتا ہے. اس میں ہمارے جو بریگیڈیئر مظفر رانجا ہے, جو اس کے بارے میں خبر ہے میرے پاس, کیا جو ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب ہیں, کہ اگر ان نیب کے ساتھ تعاون کی نہ کرنے کی شکایات ہیں, تو مجھے کل بڑے باوسوق ذرائع سے یہ خبر ملی ہے کہ آئندہ چند نیب ان کے اوپر بھی آنکھیں لگا رکھی ہیں, گرفتاری شاید ہونے. وہ بھی دیکھیے ایم آئی کے سابق سربراہ ہیں یہاں پنجاب کے, تو وہ بھی آنکھیں لگا رکھی ہوں گی انہوں نے بھی. اگر یہ مقابلہ شروع ہو گیا تو پھر ڈی جی نیب جو ہیں وہ اور ڈی جی اینٹی کرپشن وہ دونوں پھر سمجھ لیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ جوڑی ہوگی. خبر یہ ہے کہ ڈی جی نیب بھی کسی بھلیکے میں نہ رہے, مظفر رانجا صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے. اجازت دیجئے, پروگرام وقت ختم ہو گیا. ناظرین اللہ حافظ.